आज तारीख हो चुकी है 4 नवंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल कल पंजाब ने शिखर धवन को अपना नया कप्तान घोषित किया था। इसके साथ ही पंजाब की टीम ने यहां पर अब मयंक अग्रवाल के यहां पर रिटेंशन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर पंजाब के ओनर नेसवाडिया ने यह बताया कि मयंक अग्रवाल का रिटेंशन इस टीम के यहां पर फ्यूचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल करंटली इस टीम के लिए जॉनी बेयरस्टो काफी अधिक इंजर चल रहे, उनके पैर पर एक बड़ी यहाँ पर मेजर इंजरी हुई है, तो कुल मिलाकर अगर आईपीएल 2023 के एडिशन में जॉनी बेयरस्टो अवेलेबल नहीं होते तो ये टीम मयंक अग्रवाल को रिटेन करेगी। और अगर यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की इंजरी रिकवर हो जाती है तो मयंक अग्रवाल को ये टीम रिलीज कर रही है। हालांकि अब मयंक अग्रवाल को यहाँ पर फोर्सफुली कप्तानी से हटाए जाने के बाद मयंक अग्रवाल खुद भी इस टीम में रहना नहीं चाहेंगे, वो खुद भी ऑक्शन में जाकर अब नई टीम का भाग बनना चाहेंगे। लेकिन अब पंजाब के ओनर्स का तो यही मानना है कि अगर जॉनी बेयरस्टो अगर इस टीम के लिए फिट होते हैं तो ये टीम मयंक अग्रवाल को रिलीज करेगी, अदरवाइज मयंक अग्रवाल को ये टीम रिटेन रखेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या कप्तानी से हटाए जाने के बाद भी मयंक अग्रवाल को इस टीम में रिटेन और कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल एबी डिविलियर्स को अब आरसीबी के मैनेजमेंट में जोड़ लिया गया, आरसीबी के कोचिंग स्टाफ में जोड़ लिया गया। इसी वजह से अब ये कल बेंगलुरु पहुंच चुके, जहां पर आरसीबी की टीम के डायरेक्टर माइक हेसन तो लगभग 1-2 सप्ताह से भारत में और बेंगलुरु में मौजूद है। अब एबी डिविलियर्स भी बेंगलुरु पहुंच चुके क्योंकि ऑक्शन अब लगभग 1 महीना दूर है। 1 महीने बाद हमें यहाँ पर अब आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा, तो अब यहाँ पर आरसीबी ने अपने स्तर पर ऑक्शन की तैयारी शुरू कर दी, या फिर यूं कहें कि सभी 10 टीमों में से आरसीबी की टीम ने इस साल सबसे पहले ऑक्शन की तैयारियां शुरू करी है। तो एबी डिविलियर्स अब भारत पहुंचकर ऑक्शन की तैयारियों में शामिल हो चुका। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस साल जल्दी तैयारियां शुरू करके आरसीबी ने आखिर कौन सा नया प्लान तैयार किया होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आंध्र रसल की तरफ से। दरअसल आंध्र रसल इस साल हमें बिग बैश लीग भी खेलते हुए दिखेंगे, लगभग यहाँ पर जनवरी फरवरी में और दिसंबर के महीने में शुरू होने वाली यहाँ पर बिग बैश लीग का ये भाग बनेंगे। इस साल बिग बैश लीग काफी लंबा बिग बैश लीग का सीजन चलेगा, दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट फरवरी तक बिग बैश लीग चलेगी। और कल यहाँ पर आंध्र रसल को बिग बैश लीग के लिए अब साइन किया गया मेलबर्न रेनेगेड्स यानी एरोन फिंच की टीम की तरफ से, हमें बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप रसल को बिग बैश लीग में आखिर देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल ट्विटर पर और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर यहाँ पर कोलकाता की टीम के टारगेट लिस्ट को लेकर कुछ यहाँ पर नाम सामने आया, जहाँ पर कुछ सोर्सेज ने ये बताया कि ये टीम यहाँ पर आयरलैंड के विस्फोटक ओपनर पॉल स्टीलिंग को यहाँ पर टारगेट कर रही है। कुछ सोर्सेज ने यह बताया कि ये टीम यहाँ पर गुजरात टाइटन्स के रिलीज यहाँ पर जेसन रॉय को भी यहाँ पर ओपनर के रूप में देख रही है, क्योंकि ये टीम एरोन फिंच को अब रिलीज कर रही है। तो इस टीम को विस्फोटक ओपनर की तलाश है, एरोन फिंच अजिंक्य रहाणे को ये टीम रिलीज कर रही है, तो पॉल स्टीलिंग या फिर जेसन रॉय में से अब एक खिलाड़ी को ये टीम डेफिनेटली ऑक्शन में परचेस करेगी। तो कुल मिलाकर कोलकाता के लिए भी हमें एक विस्फोटक ओपनर आईपीएल 2023 के एडिशन में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट हमारे यूट्यूब और हमारे टेलीग्राम चैनल पर वैसे भी हम बता देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को तो अभी बिना किसी देर के आप ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर सभी टीमों के आखिर टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट जानने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई की टीम ऑक्शन से पहले प्लानिंग कर रही है कि ये टीम ईशान किशन को रिलीज करके दोबारा से रीबाई कर ले। फॉर एग्जांपल ईशान किशन को इस टीम ने पिछले साल 15.5 करोड़ में खरीदा था, इस साल अगर ये टीम ईशान किशन को रिलीज करके रीबाई करती है तो 8-10 करोड़ की रेंज में ईशान किशन इस टीम को मिल जाएंगे, और बचे हुए पैसों में ये टीम एक और क्वालिटी प्लेयर को परचेस कर सकती है, 1-2 और क्वालिटी प्लेयर्स को ये टीम परचेस कर सकती है। तो मुंबई की टीम प्लानिंग कर रही है कि ईशान किशन को रिलीज करके दोबारा से परचेस कर ले। अगर यहाँ पर रिटेंशन प्रोसेस में मुंबई की टीम ईशान किशन को रिलीज करती है तो भी यहाँ पर मुंबई के फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुंबई की टीम 16 दिसंबर को ऑक्शन में दोबारा से ईशान किशन को परचेस करेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मुंबई की टीम का ये सही फैसला है, क्या ईशान किशन को मुंबई को रिलीज करके रीबाई करना चाहिए या फिर नहीं, और रीबाई करने पर कितने करोड़ तक आखिर ये मुंबई को मिल जाएंगे। इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर
हमारे टेलीग्राम चैनल को तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर ले। वहाँ पर ऑक्शन के रिगार्डिंग, वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स हम देते हैं, पल पल भर के वहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल अब T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेजेस के केवल 3 दिन बचे, 3 दिन में हमें मैक्सिमम 4-5 मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक एक भी सेमीफाइनल की टीम यहाँ पर तय नहीं हुई। कुल मिलाकर इस साल का वर्ल्ड कप यहाँ पर बेस्ट, पिछले कुछ सालों के वर्ल्ड कप में से सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप रहा है। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग अब तक वर्ल्ड कप रहा है। अब तक एक भी सेमीफाइनल की टीम यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं हुई, लीग स्टेज ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर। आप कमेंट करके बताइए आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, कौन सी 4 टीमें आखिर सेमीफाइनल खेलेगी। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है लखनऊ और राजस्थान की तरफ से। दरअसल सोशल मीडिया पर पंजाब के नए कप्तान के अनाउंसमेंट के बाद कुछ खबरें यहाँ पर वायरल होने लगी थी कि लखनऊ और राजस्थान की टीम भी नए कप्तान की घोषणा करेगी। ये टीम भी नए कप्तान की यहाँ पर घोषणा करने वाली है। लखनऊ की टीम केएल राहुल को और यहाँ पर राजस्थान की टीम सैमसन को कप्तानी से हटाने वाली है, लेकिन कल दोनों टीमों ने ऑफिशियल कर दिया कि अपने कप्तान में ये टीमें कोई बदलाव नहीं करेगी, बल्कि इन कप्तानों में ये टीम ट्रस्ट शो करेगी। इन कप्तानों में ये टीम आने वाले सालों तक यहाँ पर ट्रस्ट शो करेगी और यही कप्तान इन टीमों के लिए यहाँ पर कप्तानी करेंगे। तो कुल मिलाकर ना ही लखनऊ की टीम कप्तान बदल रही है, ना ही राजस्थान की टीम अपने कप्तान में बदलाव कर रही है। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर पंजाब की तरफ से। दरअसल पंजाब के ओनर्स ने आखिरकार फाइनली रीजन बता दिया गया कि किन कारणों के चलते इस टीम ने शिखर धवन को कप्तानी सौंपी है। तो यहाँ पर पंजाब के ओनर नेसवाडिया ने यह बताया कि शिखर धवन करंटली रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में यहाँ पर भारतीय ओडीआई टीम की कप्तानी करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शिखर धवन को कप्तान बनाने के बाद अब इस टीम के पास यहाँ पर यह विकल्प आ चुका है कि शिखर धवन और जॉनी बेयरिस्टो इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही मयंक अग्रवाल अगर इस टीम में यहाँ पर रिटेन रहते तो नंबर 3 नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और उस टीम को अगर छोड़ना चाहे तो इस टीम के लिए यहाँ पर अब और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में एक नए प्लेयर को खिलाने का इस टीम के लिए मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर पंजाब के ओनर ने बताया कि धवन के पास कप्तानी का यहाँ पर आईपीएल में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हैदराबाद के वो 2 से 3 साल कप्तानी कर चुके, तो कप्तानी का इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर पंजाब के ओनर्स का मानना है कि शिखर धवन इस साल इस टीम को आईपीएल खिताब दिला सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या शिखर धवन पंजाब को आईपीएल खिताब दिला सकते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।